राजेंद्र प्रताप सिंह ग्राम विकास मंत्री ने बताया कि ग्राम विकास विभाग में मुख्यतः ऐसे बिंदु हैं जिस पर विभाग कार्य करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबरू मिशन, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हम काम करते हैं। 2016-17 से लेकर 2019-20 तक उत्कृष्ट कार्य करते हुए सरकार ने 9 पुरस्कार जीते हैं। हमें इसमें 14,34,000 आवास पूर्ण कर लिए हैं। कुल 49.54 लाख पात्र परिवारों को सर्वेक्षण किया गया है। 6.10 लाख लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि का डिजिटल वितरण भी किया गया है। मनरेगा के तहत विगत 4 वर्षों में 99.25 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। 2020-21 में 110.52 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं 12.30 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराकर विगत 3 वर्षों से मनरेगा योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत भी किया गया है। वर्ष 2020-21 मई जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत 3 उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, आयुक्त ग्राम विकास के रविन्द्र नायक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सहयोगी आशीष कुमार के साथ धीरेन्द्र श्रीवास्तव, जनमत न्यूज, लखनऊ। गांव के जो चिन्हित हमारे जनपद थे उन्हें उन न्यूनतम आवश्यकताओं से जोड़ने के संबंध में था जो किसी ग्राम के लिए और ग्रामीणों के लिए आवश्यक थे। उसके अंतर्गत जो काम हमने किए उसमें 9.5 करोड़ मानव दिवस हमने सृजित किया 125 दिन के कार्यकाल में। प्राथमिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंध योजना अंतर्गत जो हमने काम किया है, नदियों का जो स्वरूप विलुप्त हुआ था उसमें 25 नदियों का पुनरुद्धार कार्यक्रम, वृक्षारोपण, तालाब का निर्माण, चारागाह, भूमि का विकास और वाटर सप्लाई स्कीम की जो टंकियां बनती हैं पानी पेयजल की दृष्टि से, उसमें भी हमने मदद किया है।